अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? आज पहला रोज़ा है, बस मैं रास्ते में हूँ। मुझे लग रहा है कि रास्ते में ही रोज़ा खुल जाएगा मेरा, क्योंकि वो वहाँ पे जाहिर है वो जो आउटसाइड के जितने डॉग्स हैं आपने देखा ही होगा कि वो वेट कर रहे होते हैं खाने का। तो आई हैव टू गो। तो आई होप आपको जो व्लॉग्स हैं पसंद आ रहे होंगे। जरदे का अभी आज रात को इंशाल्लाह नाइट टाइम कुकिंग में सूजी का हलवा, सिंपल वाला। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि वो जो जरदा है वो हलवा बन गया, तो मैं अब आपको बताती हूँ क्यों। मुझे जो चावल हैं वो पिचपिचे जो होते हैं, स्टिकी राइस, मुझे वो पसंद है। मुझे खड़े खड़े चावल बिल्कुल नहीं पसंद, और वो हजम भी नहीं होते और वो मोटापे का बायस भी बनते हैं क्योंकि वो फोके होते हैं। तो जो स्टार्च होता है चावलों का वो बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए, आपके स्ट्रेंथ के लिए, आपके सेहत के लिए, और आपके पेट पे भी वो अंदर से रात को अगर आप खाते हैं तो आपको जूद हजम होता है और आपको प्रॉब्लम नहीं होती, बादी नहीं होते। तो जो अच्छी चीज़ होती है चावलों की, जो स्टार्च होता है, पिच होती है, वो हम फेंक देते हैं बहुत सारे लोग, और खड़े खड़े चावल जो है तो वो तो खाली चावल होते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो उस तरह के मुझे थोड़े से ओवर कुक्ड राइस जो है वो पसंद है, और मैं ज़रूर उसी तरह के जो वाइट राइस है वैसे भी खाती हूँ उस तरह, मतलब ओवर बॉयल करके। तो अगर आप लोगों को नहीं अच्छा लगा, बहुत सारे लोगों को, तो आप ऐसा कर सकते हैं खड़े खड़े चावल आप उसी रेसिपी में आप अपने तरीके से बना लें, मतलब चावलों को मतलब पिच निकाल के जो इस तरह होते हैं जी लंबे लंबे खड़े खड़े चावल, आई एम सॉरी बहुत गंदी रोड है, तो आप लोग वैसे बना लिया करें। द रीज़न बिकॉज हर एक की अपनी चॉइस होती है, तो मैं अपने तरीके का बनाती हूँ। आप लोग एक्सपर्ट्स हैं, सारी खवातीन जो देख रही होती हैं, तो आप लोग अपने तरीके से बना लें, सिंपल एज दैट। तो अब वहाँ पहुँच के आपको बताऊँगी कि क्या सूरत हाल है। ओए, सड़कों का हाल बुरा कसम से। सो मैं अपनी डेस्टिनेशन पर रवा दवा हूँ, और पहला रोज़ा है, आप सबको भी बहुत मुबारक हो। एंड रमज़ान ट्रांसमिशन्स में मैं देख रही होती हूँ ये ना खाएं, वो ना खाएं, सीरियल खाएं, दूध के साथ फलाना करें, तो उन लोगों को ये एहसास नहीं होता कि जो हमारे मुल्क में इस वक्त महंगाई है, मतलब हरी मिर्चें जो है वो 400 रुपए किलो हो गई हैं, तो कैसे लोग जो है वो इस तरह की लवाजमात जो है फिटनेस के हवाले से, खाना सब कुछ चाहिए सिर्फ उसको कम पोर्शन में खाना चाहिए, मतलब जो एक आम इंसान है वो कैसे सीरियल अफोर्ड कर सकता है, वो कैसे दूध जो है उसमें फलाना ना डाले, चार पकौड़ों में इतना कैलोरीज होती हैं। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है ऐसे न्यूट्रिशनिस्ट से कि अपने जो लोग हैं, जो मैसेज हैं, जो हमारे आम आवाम हैं, उनके हवाले से जो है वो देना चाहिए इनको रेसिपीज़ या जो भी बनाते हैं देसी वाली, क्योंकि हु कैन अफोर्ड सीरियल्स, हु कैन अफोर्ड मिल्क। दूध जो है मुख्तलिफ कंपनीज का कोई 270 रुपए लीटर है, कोई 280 रुपए लीटर है, जो बाहर का दूध है 220 रुपए लीटर है, कैसे दूध में फलानी चीज सीरियल डाल के खाएंगे, मुझे तो ये नहीं समझ आती है। सो अनरियलिस्टिक के मैंने रास्ते में रोज़ा अफ्तार कर लिया, और ये सब आके बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं गंदे बच्चे, एक वो भी बैठा हुआ बेस्ट। रास्ते में मैंने कहा, मैंने चीज़ें रास्ते में रख ली थी ताकि मैं इफ्तार कर लूं। ये देखें कितना सुकून है इस वक्त। अरे तुम लोग सारे आके वेट कर रहे हो खाने का गंदे बच्चों। वो ये भी है, छोटा सा बच्चा भी आया हुआ है। हेलो, व्हाट इज गोइंग ऑन? यू गाइस आर वेटिंग फॉर फूड? ओके बच्चों, बस अब खाना दे रही हूँ मैं तुम लोगों को, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वंस अगेन आप सबको जो है पहला रोज़ा बहुत मुबारक हो। अब दूसरा रोज़ा जो है वो स्टार्ट होने वाला है, तो शाम की इफ्तारी पे हम लोग खाना भी साथ खाते हैं, तो मैंने कहा आज जो मैं रेसिपी थी वो आपके साथ शेयर करूं। अगर आपने अभी तक
जो चैनल है वो सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन से कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले, और कमेंट भी जरूर किया करें ताकि मैं आपके कमेंट्स का जवाब या पढ़ लूं या लाइक कर लूं। आज लौकी जो है वो मेरी और मम्मी की, हम घर वालों की बहुत फेवरेट है। लौकी जो है हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी महबूब तरीन सब्जी थी, सो इसके फ़वाद भी बहुत हैं। तो इसके साथ आप गोश्त भी यानी मटन भी कर सकते हैं, बीफ भी कर सकते हैं, और मैंने बोनलेस चिकन लिया और आज मैंने फुल तैयारी की हुई है, ये नहीं कि रैंडम लिया। आप लोग कहते हैं ना पूरा दिखाया करेंगे वो, तो मैंने कहा कि ये देख लें, सारी तैयारी हुई भी है। लौकी जो है वो काट ली गई है, आधा किलो के बराबर लौकी है, 2 से 3 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं, 1 अदद प्याज है, हरी मिर्चें हैं कटी हुई, और साथ में आधा किलो के बराबर बोनलेस ब्रेस्ट चिकन है। और ये देख लें मसाले, इसमें इतना, ये 1 कप है तो इसमें मैं 1 कप से थोड़ा कम ऑयल डालूंगी, 1 टीस्पून ज़ीरा, साबुत सफ़ेद ज़ीरा। इसमें मैं सब्ज़ियों में अगर आप थोड़ा सा शक्कर जो है, आधी चम्मच शक्कर है, 2 टीस्पून लहसुन अदरक कुटा हुआ बारीक चॉप किया हुआ इसके अंदर है, ये अदरक। मसालों में आपको बता दूं, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून लेवल जो है वो धनिया पाउडर, थोड़ा सा मेरे पास गिलगित बल्तिस्तान का ज़ाफ़रान है वो मैं सिर्फ खुशबू के लिए डालूंगी, वो ऑप्शनल है, अगर आपने नहीं यूज़ करना तो ना करें। आधी से भी कम टीस्पून जो है वो इसमें गरम मसाला पाउडर, सूखी कसूरी मेथी 1 टीस्पून, बहुत कम यानी 1/4 टीस्पून जो है मेथी दाना, एक तो मेथी दाना होता है ना एक उससे भी छोटा वाला बारीक वाला दाना वो, और ये है जी काली मिर्च 1/4 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च, और साथ में 1 टीस्पून हल्दी। और अब अपने गैस को ऑन कर लेते हैं, आज इस पैन में बनाएंगे उप्स ऑयल, और ये देख लें ये है, और इसमें मैं ये 1 कप के बराबर, 1 कप से कम है, ये देखें ये ऑयल शामिल कर दिया, और ठंडे ही तेल में मैं लहसुन अदरक 1-2 टीस्पून, और साथ में ये चॉप की हुई प्याज। ठंडे में इसलिए डालती हूँ मैं कि देखें उस पानी नहीं छोड़ता ये प्याज जो है, और ये कि आपका किचन भी मैला नहीं होता, छींटे नहीं पड़ते, ग्रीसी नहीं होता, तो इसलिए आप इस तरीके से डाल के देखें उसी तरीके से, और आपने इसकी लिड जो है वो बंद कर देनी है ऐसे, ये आपने लिड बंद कर दी, और इसके बाद फिर वापस आते हैं। ओके एवरीवन, साथ साथ कुकिंग के साथ साथ चाय भी पीनी चाहिए, ओहो मज़ा आ जाता है। नो शुगर। अच्छा अब आप देख लें, ये देखें अब क्या है कि ये देख लें, अब ये भुन रहा है ना आस्ता आस्ता, इसी तरह मैंने ठंडे तेल में डाला तो ये ज़्यादा अच्छा फ्राई होता है। प्याज लहसुन अदरक जो है वो 2 टीस्पून डाल के अच्छी तरह इसको कुक करेंगे, और इसी स्टेज पे हम डाल देंगे इसमें 1 टीस्पून ये ज़ीरा, साबुत सफ़ेद ज़ीरा, तो ये भी साथ ही इसके हो जाएगा क्या, कुक हो जाएगा, भुन जाएगा, बहुत मज़ेदार ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इस वक्त। और इसी टाइम में ये जो बारीक चॉप की हुई अदरक है ना, ये 2 से 3 मैं इसमें डाल दूंगी ताकि इसकी भी अच्छी खुशबू आ जाए। अब इसको वापस पैक कर देते हैं, पैक मतलब ढक्कन रख देते हैं, और आप लोग सुनाएं कैसा पहला रोज़ा गुजरा। कोशिश होती है कि जो भी कुकिंग हो वो आपके साथ शेयर करूं, नाइट टाइम कुकिंग मुझे पसंद है। अब ये कि अभी बन जाएगा, सहरी पे हम लोग ये नहीं खाएंगे, फिर ज़ाहिर है जो इफ्तार है उसके ऊपर चिकन और लौकी जो है वो बनी हुई होगी। अच्छा एक और चीज़ बताऊँ, आप जब भी सब्ज़ी बनाते हैं तो उसमें ये बोनलेस वाला बहुत अच्छा इसलिए भी है, ये देखें ये 1/2 किलो के बराबर है, और ये ऑलमोस्ट ये पूरा इस तरह का बोल है, और इसमें आपने छोटी छोटी जो है बोटियाँ काट लें तो उसमें बच्चे भी खा लेते हैं, बाकी सबको भी पूरा, बड़े बड़े पीस जब होते हैं तो बड़ा मुश्किल है, एंड यू नो महंगाई का दौर है। एवरीवन ये देख लें,
अब ये बिल्कुल सुनहरा हो गया है। लहसुन, अदरक, प्याज और ज़ीरा। अब इस स्टेज पे हम जो है ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसमें चिकन शामिल कर देंगे और अब इसको आपने हिलाना नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप चिकन को बहुत हिलाते हैं तो वो स्टिफ़ हो जाती है। हमने इसको इस तरह करके ना इस तरह ढक्कन रख देना है ताकि जो स्टीम होती है उससे चिकन जो है मॉइस्ट, नरम और मुलायम रहती है। जब बहुत चम्मच चलाते हैं तो चिकन स्टिफ और सख्त हो जाती है, फिर मज़ा नहीं आता। तो ये देखें अब आहिस्ता आहिस्ता इसमें स्टीम डेवलप हो जाएगी। ढक्कन रख दें, वो देखिए अंदर बबल्स जो है वो वाइट वाइट बबल्स आ रहे हैं। ठीक है, अब जब मैं ढक्कन खोलूँगी तो आप देखना, फिर फ़ौरन चम्मच प्लीज़ कभी ना चलाया करें। एंड उसके बाद आते हैं वाइट वाइट प्यारी प्यारी चिकन, प्यारी प्यारी नहीं प्यारी प्यारी। अब हम इसको, अब आपने इसको अब भूनना शुरू कर दें। बेशक ये देख लें वाइट वाइट हो गई है, इसको अब हमने हल्का फुल्का भूनेंगे, हल्का फुल्का। और इस समय पे यानी इस टाइम पे हमने ये सारे जो मसाले जो मैंने आपको बताए थे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये सारे इसमें शामिल हो गए। और अब थोड़ा सा आप इसको तेज़ तेज़ से हिलाएंगे। कसूरी मेथी जो है ना उसका बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। और इसमें अब थोड़ा सा ये केटल में से थोड़ा सा हल्का सा पानी डालेंगे, हल्का सा, ताकि ये कुक हो जाए अच्छे तरीके से। मसालों से एकदम से कलर इसका चेंज हो गया। अब इसको दोबारा से ढक देंगे और दो मिनट के बाद जब इसमें बबल्स आएंगे तो हमने टमाटर डाल देने हैं। बल्कि टमाटर ना अभी डाल देते हैं, अभी डालते हैं और फिर एंड में जौन सा है वो हम डालेंगे। ये हमने लेके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम टमाटर, गोल टमाटर जब आप काटते हैं तो वो जल्दी गलते हैं और वो नहीं बनते, लम्प्स नहीं बनते। ये डाल दिया, ये डाल दिया और जो बारीक चॉप की हुई हरी मिर्चें थी वो भी इस तरीके से डाल दी। थोड़ा सा अदरक अब डालेंगे और अब आपने ये जो शुगर है यानी जो ये शुगर कह रही हूँ वो है जो देसी जो आपकी शक्कर होती है वो आधे से भी कम क्वार्टर टीस्पून ये हमने इसमें शामिल किया। इससे जो सब्ज़ी और जो सालन है वो बहुत ज़बरदस्त बनता है। तो अब इसको अब हम लिड लगा देंगे और इसको भाप में थोड़ा पकने देंगे और फिर हम डालेंगे लौकी। ये डिस्को 82 जो चल रहा है, मेरी एक जो लाइट है वो फ्लिकर कर रही है। अब आप देखें हमने टमाटर भी शामिल किए, इसमें हरी मिर्चें भी, बारीक चॉप की हुई अदरक भी। और गोल टमाटर जब आप काटते हैं तो देखें कितनी जल्दी से ये बिल्कुल ग्रेवी बन जाते हैं, वरना वो जो आप वो दूसरी कटिंग करते हैं ना, ये देखें ऐसे जल्दी जल्दी हो गया इसका। ये 5 से 6 मिनट लगे हैं इसमें, ये हमने किया। और अब इस स्टेज पे आपने डाल देने हैं क्या, इसकी मेन इंग्रेडिएंट जो है वो है माय फेवरेट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लौकी डाल देंगे। लौकी जो है वो बेहतरीन सब्ज़ी है और ये कॉम्बिनेशन आप ट्राई करना बच्चों को। अगर आप चिकन डाल देंगे ना बोनलेस तो बच्चे खा भी लेंगे, वरना खाली लौकी बनाएंगे तो कभी नहीं खाएंगे, उनको थोड़ा सा डॉज करना पड़ता है। ये ली दी हमने, डाल दी। अब अगेन हमने क्या करना है, अगेन हमने ये करना है कि इस पे चम्मच नहीं चलाना और इसको भाप में पकने देंगे 3 से 4 मिनट। भाप क्रिएट हो गई ना, ये देखें। और अब हम इसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खोलेंगे और फिर आपने इसमें हल्के से अब चम्मच चलाना है, ये देखें, क्योंकि सब्ज़ी का अपना भी पानी होता है। तो मुझे थोड़ा जो सब्ज़ी है वो ग्रेवी वाली पसंद है, क्योंकि फिर आप चावलों के साथ भी खा सकते हैं। इसको अच्छी तरह हमने मिक्स किया, बहुत अच्छी तरीके से आपने मिक्स किया इसको। और असल फ्लेवर हम लोग जो है वो बहुत ज़्यादा जब भुनाई करते हैं ना तो उसमें किल हो जाता है, किल बिल हो जाता है। मैंने नमक भी इसमें, वो जो मसाले थे उसमें मैंने नमक भी शामिल किया था हसबे ज़ायका,
ज़्यादा ना डालें इतना कि बाद में जिसको कम लगे वो अपना दोबारा से वो कर सकते हैं। इसमें हम उसी कप में एक अदद कप पानी का बसमिल्लाह मान लेंगे इस तरीके से इसमें शामिल कर देंगे। और क्योंकि ग्रेवी ताकि बने ज़बरदस्त ही, अब हम इसे हल्की आंच कर देंगे और अब थोड़ा सा अदरक इस पर और शामिल कर दिया, थोड़ा सा जो बच गया है। हरा धनिया मेरे पास नहीं है तो गार्निशिंग के लिए अब इसको हम हल्की आंच कर देंगे। और एक सेकेंड, ये देख लें बिल्कुल हल्की करके अब ये बहुत ही प्यारे दम पे पकेगा। एवरीवन चेक इट आउट, एक सेकेंड ये देखें, अस्सलामु रहीम। ये मैंने क्योंकि ग्रेवी रखी थी इसमें तो ये बिल्कुल माशाल्लाह पक के तैयार है। ये मैं ऑफ़ कर रही हूँ और अब हम इसमें डालते हैं अब हम इसमें डोंगे में डाल देते हैं, डोंगे में। ये हल्का सा हिलाना है आपने, इसमें ये हरा धनिया आपने डालना है इसमें, हरा धनिया और तरा हरा धनिया भी नहीं है मेरे पास। सो अब आपको दिखाते हैं कैसा बना। ये देखिए ज़बरदस्त सा हमारा टींडे और चिकन जो है, सॉरी टींडे कह रही हूँ, लौकी और चिकन जो है वो रेडी है। और इसको अब मैं थोड़ा सा ये देख लें, ठीक है ना, साथ में एक रोटी भी रखी है। अब क्योंकि लाइट चली गई, लाइट कह रही हूँ बैटरी ख़त्म हो गई थी, ये मैंने KNN की ब्रेस्ट चिकन को छोटे छोटे पीस किया है। बिस्मिल्लाह रहीम, ये हम डालते हैं इधर, थोड़ी से लौकी भी दो तीन डालते हैं, ये ठीक है ना, परफेक्ट बना है। ये देख लें, इसमें सिर्फ मैं देगी मिर्च डालना भूल गई, उससे ज़रा कलर और वाइब्रेंट हो जाता है। अब मैं एक नवाले के साथ टेस्टिंग करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गरम गरम है बहुत ज़्यादा। एक सेकेंड, हल्दी मैं थोड़ी ज़्यादा डालती हूँ, हल्दी बहुत अच्छी होती है सेहत के लिए। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल होटल के स्टाइल नहीं होता, चटपटा मज़ेदार। अब ये देखें चिकन, ये देखें ज़रा चिकन कितनी नरम और मुलायम है, ये देखें परफेक्ट, रियली नाइस, बहुत मज़े का है। एक और नवाला खा लें खुदा हाफिज़ कहने से पहले। वाह कमाल हो गया, ज़रूर ट्राई करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। कल एक और नाइट टाइम नाइट कुकिंग में एक और ज़बरदस्त सी ईजी रेसिपी लाऊंगी आपके लिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें। अभी थोड़ी देर मतलब घंटे दो में हो जाएगी सहरी हो जाएगी, तो आप सबको दूसरा मुबारक रोज़ा 2024 का मुबारक हो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।